ओपनर शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे वनडे में आखिरकार अपनी बल्ले का जलवा दिखा दिया। शिखर ने यहां अपने वनडे करियर का 16वां शतक जड़कर भारत के लिए बड़े स्कोर की नींव रखी। उन्होंने 97 गेंदों में 12 फोर 1 सिक्स की मदद से 100 रन पूरे किए। वो 150 रन की ओर बढ़ रहे थे कि पैट कमिंस की एक गेंद उनका स्टंप ले उड़ी। उन्होंने अपने वनडे करियर के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के दौरान 115 गेंदों का सामना किया, जबकि 18 चौके और 3 छक्के लगाए। उनका विकेट 38वें ओवर में गिरा। दूसरी छोर पर हालांकि उनके साथ रोहित शर्मा अपने शतक से चूक गए। धवन ने अपना ये शतक 17 पारियों के बाद जड़ा है। इससे पहले उन्होंने एशिया कप में करीब 6 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा था। दुबई के मैदान में तब धवन ने 114 रन की पारी खेली थी। अपने वनडे करियर का 127वां मैच खेल रहे धवन के फॉर्म में आने से टीम इंडिया को राहत जरूर मिली है। इससे पहले धवन के जल्दी आउट होने से ओपनिंग जोड़ी से साझेदारी न मिलने के कारण विराट कोहली समेत टीम के मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ रहा था। पिछले 6 वनडे पारियों में धवन 30 रन का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे थे। इनमें से 3 बार वो दहाई का अंक भी नहीं छू पाए, लेकिन आज का शतक जड़कर न केवल उन्हें खुद राहत मिली बल्कि टीम मैनेजमेंट को भी राहत मिली। मोहाली का मैदान धवन के लिए खास बनता जा रहा है। शिखर ने इसी मैदान पर साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने तब यहां 187 रन की पारी खेलकर अपनी छाप छोड़ी थी। पहले कुछ समय से धवन के बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे थे, तो वर्ल्ड कप से पहले उनकी ये फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता की बात बन रही थी।